बाइक का मॉडल लगा हुआ है। एफिल टावर बना हुआ है यहाँ पे, और उसके आगे आपको नज़र आ रहा होगा व्हाइट हाउस। ये व्हाइट हाउस का मॉडल बना हुआ है, उसके आगे वो इंडिया का पवेलियन है। इंडिया का जो पवेलियन मुझे लगा है ना, वो सबसे बड़ा है। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है और वो आगे पूरा ये इंडिया ही जा रहा है, और सामने फलस्तीन। पवेलियन है बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं नज़दीक से आपको फुल दिखा भी नहीं रहा, दूर से दिखाना पड़ेगा पूरा दिखाने के लिए। और लबनान के साथ है जी कतर। और कतर के साथ है जी ईरान। और ईरान के अपोजिट साइड पे सऊदीया। जी है जी ईरान। एक बहुत बड़ा घोड़ा उन्होंने बाहर लगाया हुआ है जी। और वो हमारे सामने है जी सऊदीया। सऊदीया के साथ में है इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ यमन, और यमन के साथ है कुवैत। और मैं ऑलमोस्ट उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैं इंटर हुआ था। इजिप्ट के साथ है बहरीन, और बहरीन के साथ है यमन, और यमन के साथ है कुवैत। और इसके अंदर बोट्स चल रही हैं जी, ये आरटीए की बोट्स होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, आपको चक्कर वगैरह लगवा देंगे। वो जो आपको सामने पानी के ऊपर तैरती नज़र आ रही है ना, ये है फ्लोटिंग मार्केट एक और, जिस पे कश्तियों पे बनी हुई है। ठीक है, आप मैं दिखा सकता हूँ, देखें कश्तियों में मार्केट बनी हुई है। ये पूरा वहाँ तक जो है ना, वो कश्तियों में मार्केट बनाई है उन्होंने, और ये बिल्कुल पानी है जी, हम देख सकते हैं अंदर।
और मेरे ये जो साइड है लेफ्ट साइड, इस पर आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। और मैं पूरा आपको मैं अपना आप नहीं दिखाया, मैं सिर्फ आपको विलेज दिखा रहा था, देख लें आप। बस तकरीबन थोड़ा सा टाइम है मेरे पास और मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना है। तो मैं बस थोड़ा सा आपको उस तरफ होकर दिखाऊंगा और अगर रह गया कोई चीज़ तो इंशाल्लाह फिर आएंगे। यहाँ पे आपको पूरा ग्लोबल विलेज का मैप मिलेगा। ये फ्लोटिंग मार्केट का एंट्रेंस है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ भी हुआ है फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ से आप इंटर होके नीचे जा सकते हैं, नीचे जाके खाना लें और साथ में टेबल लगे हैं बैठ के खा लें। पूरा चक्कर लगा के जी हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से आपको मैं पहले लेके गया था। यहाँ से
तो पूरा घूम के जी मैं एग्जिट में आ गया हूँ वापस। यहाँ से मैं आया था, ये सामने वही रास्ता है और मैं उसी तरफ वापस जा रहा हूँ। तो इसी के साथ जी ग्लोबल विलेज का जो रिव्यू था, जो आपको एक्सप्लोर करना था, उसका यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। ये अप्रैल तक है, तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दो मज़ूर याद रखेगा, मेरी मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा। मुझे ज़रूर इसका सिला दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।